हेलो नमस्कार दोस्तों, पोद्दार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। बीएससी पार्ट थर्ड बॉटनी का आज जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोलेनकाइमा। पिछली वीडियो में अपन ने पेरेनकाइमा के बारे में पढ़ा था, पेरेनकाइमा मृदुतक की संरचना, उत्पत्ति एवं कार्य के बारे में अपन ने पिछली वीडियो में अध्ययन किया था। और आज का जो अपना नेक्स्ट वीडियो है, आज की जो क्लास है वह है कोलेनकाइमा स्थूल कोणोत्तक। कौन सा है? स्थूल कोणोत्तक। अभी अपन ने पीछे बताया था ये सिंपल टिश्यू हैं, सरल ऊतकों को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा था, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। मृदुतक, स्थूल कोणोतक और दृढ़ोतक। तो ये सेकंड जो ऊतक है वो है स्थूल कोणोतक कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा के बारे में आज अपन देखते हैं कि कोलेनकाइमा जो है इसकी जो कोशिकाएँ होती हैं जीवित कोशिकाओं से बना होता है और इसकी कोशिका भित्ति में स्थानगत स्थूलन पाया जाता है और इनकी कोशिकाओं में लिग्निन का स्थूलन नहीं पाया जाता। भाई लिग्निन एक इस प्रकार का रासायनिक पदार्थ है लिग्निन का स्थूलन इनकी कोशिकाओं के बीच में नहीं पाया जाता। तो इसकी एक परिभाषा देख लेते हैं। कोलेनकाइमा सेकंड ऊतक है ये, स्थूल कोणोत्तक। कोलेनकाइमा ये स्थूल कोणोत्तक जीवित कोशिकाओं से बना ऊतक है। स्थूल कोणोत्तक जीवित कोशिकाओं से बना बना ऊतक है। ध्यान रखना इसको थोड़ा सा कि स्थूल कोणोत्तक जो है वो जीवित कोशिकाओं से बना हुआ ऊतक है जिनकी कोशिका भित्ति में स्थानगत लोकलाइज्ड बोलते हैं इसको, स्थानगत स्थूलन पाया जाता है। स्थूलन का मतलब था जमाव, कि इनकी कोशिका भित्ति में स्थानगत स्थूलन पाया जाता है, इनकी कोशिकाओं में लिग्निन का स्थूलन नहीं पाया जाता। इनकी कोशिकाओं में लिग्निन का स्थूलन नहीं पाया जाता है। इस बिल्कुल लिग्निन एक इस प्रकार का रासायनिक पदार्थ जो दृढ़ हार्ड होता है। बाकी कोलेनकाइमा जो ऊतक है ये पादप की लचीली, जैसे जो लचीली जो शाखाएं होती हैं जो हवा के द्वारा मुड़ जाती हैं पत्तियों के किनारे, उन भागों में ये कोलेनकाइमा ऊतक पाया जाता है। इसलिए इनमें क्या होता है लिग्निन का निक्षेपण नहीं होता है, लिग्निन का स्थूलन जमाव नहीं हो पाता है और ये मृदुतक की कोशिकाओं के स्थूलन से ही विकसित होती हैं। यह मृदुतक की कोशिकाओं के मृदुतक की
कोशिकाओं के स्थूलन से ही विकसित होती हैं। भाई अधिकांशतः है, इनकी जो मृदूत कोशिकाएं होती हैं उन मृदूत की कोशिकाओं के स्थूलन से ही ये कोलेनकाइमा कोशिकाओं का विकास होता है, डेवलप होती हैं और इनकी कोशिकाएं मृदूत की कोशिकाओं से लंबी होती हैं, परंतु इनकी कोशिकाएं मृदूत की कोशिकाओं से लंबी होती हैं। ठीक है भाई, स्थूल कोणोत्तक की कोशिकाएं एक तो जीवित कोशिकाओं का बना हुआ ऊतक है, ध्यान रखना है इसको थोड़ा सा, जीवित कोशिकाओं का बना हुआ ऊतक है जिनकी कोशिका भित्ति में स्थानगत लोकलाइज्ड स्थूलन नहीं पाया जाता है, परंतु इनकी कोशिकाओं में लिग्निन का स्थूलन नहीं पाया जाता। लिग्निन एक इस प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जो कठोर हार्ड होता है। बाकी ये स्थूल कोणोत्तक कहाँ पाया जाता है, ये पादप की नरम और कोमल जैसे शाखाएं जो होती हैं, जैसे हवा के झोंकों से शाखाएं मुड़ जाती हैं, लचीलापन प्रदान करने के लिए पादप के उन अंगों में पाया जाता है जहाँ उसको ये लचीलापन प्रदान करता है। पत्तियों के किनारे जिनको हवा के थपेड़ों से फटने से पत्तियों के किनारे को रोकता है, शाखाएं मुड़ जाती हैं, फिर कोमल होती हैं शाखाएं, मुड़ जाती हैं हवा में और फिर सीधी हो जाती हैं। तो यह स्थूल कोणोत्तक पादप के लचीले कोमल भागों में यह पाया जाता है। तो इसकी कोशिकाएं जो मृदूत की कोशिकाओं से विकसित होती है, परंतु इनकी कोशिकाएं जो मृदूत की कोशिकाओं से क्या होती हैं, लंबी होती हैं। और ये कोशिकाएं जो हैं वो तो इनकी कोशिकाओं में लिग्निन का स्थूलन नहीं पाया जाता और स्थूलन मृदूत की कोशिकाओं के स्थूलन से ये विकसित होती हैं और ये मृदूत की कोशिकाओं से, परंतु इनकी कोशिकाएं जो होती हैं मृदूत की कोशिकाओं से थोड़ी लंबी होती हैं। अब इनकी देखते हैं उत्पत्ति, कैसे इनकी उत्पत्ति होती है। स्थूल कोणोत्तक की उत्पत्ति, उत्पत्ति ओरिजन एंड डिस्ट्रीब्यूट, उत्पत्ति एवं वितरण। देखो कोलेनकाइमा स्थूल कोणोत्तक की उत्पत्ति भरण विभिजोत्तक ग्राउंड मेरिस्टेम से विकसित समव्यासी कोशिकाओं के परिवर्धित होने से होती है। भरण विभिजोत्तक ग्राउंड मेरिस्टेम भरण विभिजोत्तक के विकसित एवं समव्यासी कोशिकाओं के विकसित एवं समव्यासी कोशिकाओं से परिवर्धित होते हैं, कोशिकाओं से परिवर्धित होते हैं। तो भरण विभिजोत्तक ग्राउंड मेरिस्टेम जो होता है उसकी समव्यासी विकसित और समव्यासी कोशिकाओं के परिवर्धन से ही ये कोलेनकाइमा ऊतक का निर्माण होता है। ये तने पत्ती पुष्प फलों में पाया जाता है, यह तने पत्ती पुष्प फलों में पाया जाता है कि जो प्लांट्स के जो कोमल भाग हैं, तना हैं, तना पत्ती पुष्प फल,
इन भागों में यह पाया जाता है और द्वितीयक ऊतकों में यह अनुपस्थित होता है। सेकेंडरी जो टिश्यू होते हैं, द्वितीयक ऊतकों में यह अनुपस्थित होता है, ठीक है। सेकेंडरी टिश्यू द्वितीयक ऊतक कौन कौन से कहलाते हैं, जाइलम और फ्लोएम सेकेंडरी टिश्यू हैं, जटिल ऊतक हैं। तो द्वितीयक ऊतकों में ये एब्सेंट होते हैं और अधिकांश एक बीज भी पत्री पादपों में द्रोड़ों तक शीघ्र ही विकसित हो जाता है। अधिकांश एक बीज पत्री पादपों में द्रोड़ों तक शीघ्र ही विकसित हो जाता है। ठीक है, एक बीजपत्री जो मोनोकोट है, एक बीजपत्री पादपों में द्रोड़ों तक जो है वो शीघ्र विकसित हो जाता है, इसलिए वहां भी स्थूल कोण ऊतक का अभाव होता है। इसलिए वहां भी स्थूल कोण ऊतक कोलेनकाइमा अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति और वितरण है ये ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूटेशन कि भाई कोलेनकाइमा है कहाँ पाया जाता है, किस प्रकार से विकसित होता है। तो भरण विभाजक के विकसित और समव्यासी कोशिकाओं से ये परिवर्धित होते हैं। ये पादप के तना, पत्ती, पुष्प एवं फलों में पाया जाता है और द्वितीयक जो ऊतक सेकेंडरी जो टिश्यू हैं द्वितीयक ऊतकों में ये एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा ये एक बीजपत्री पादपों में क्या होता है, द्रोड़ों तक जल्द ही शीघ्र ही द्रोड़ों तक जो है शीघ्र ही विकसित हो जाते हैं, इसलिए उन एक बीजपत्री प्लांटों में भी ये एब्सेंट हो जाता है या होता है। ये सामान्यतः जड़ और भूमिगत तनों में स्थूल कोणों तक नहीं पाया जाता, सामान्यतः जड़ एवं भूमिगत तनों में भी ये कोलेनकाइमा नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, जड़ और भूमिगत जो प्लांट्स होते हैं, भूमिगत जो भाग हैं, ये उनमें भी स्थूल कोणों तक नहीं पाया जाता। किस किस में, एक तो एक बीजपत्री पादपों में, क्योंकि एक बीजपत्री पादपों में जैसे ही पेरेनकाइमा विकसित होगा, पेरेनकाइमा के बाद सीधा कोलेनकाइमा विकसित नहीं होता है, सीधा स्क्लेरेनकाइमा द्रोड़ों तक विकसित हो जाता है, इसलिए एक बीजपत्री पादपों में ये विकसित नहीं हो पाता, एब्सेंट होता है। और पादप के जो जड़ हैं और भूमिगत जो भाग हैं, भूमिगत तना है, कई तना है जो भूमिगत हैं, उनमें भी ये कोलेनकाइमा एब्सेंट होता है। तो ये हुआ कोलेनकाइमा ऊतक की परिभाषा, कोलेनकाइमा ऊतक की उत्पत्ति एवं वितरण। अब देखो कोलेनकाइमा के प्रकार कि कोलेनकाइमा को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो कोलेनकाइमा को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है, कोलेनकाइमा को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है, टाइप्स ऑफ कोलेनकाइमा, स्थूल कोणों तक के प्रकार कि स्थूल कोणों तक को मुख्य रूप से कितने भागों में डिवाइड किया गया है वो इनके, अब कोशिकाओं में स्थूलन की स्थिति के आधार पर, कोशिकाओं में
स्थूलन की स्थिति के आधार पर कोलेनकाइमा को तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो कोशिकाओं में स्थूलन की स्थिति के आधार पर, जमाव के आधार पर, कि स्थूलन की स्थिति के आधार पर स्थूल कोणोत्तक को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर एक है पट्टी का स्थूल कोणोत्तक या स्त्रित्व, नंबर एक है स्त्रित्व या पट्टी का स्थूल कोणोत्तक, दूसरा है भाई पहला तो होगा लेयर्ड प्लेट कोलेनकाइमा, पहला तो है स्त्रित या पट्टी का स्थूल कोणोत्तक, दूसरा है रिक्तिका में स्थूल कोणोत्तक, रिक्तिका में स्थूल कोणोत्तक है, लैक्यूमर पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा। रिक्तिका में रिक्तिका गैप जो होता है, और तीसरा है कोणीय स्थूल कोणोत्तक एंगुलर, कोणीय स्थूल कोणोत्तक। एंगुलर कोलेनकाइमा, तो ये कोशिकाओं में स्थूलन की स्थिति के आधार पर, पोजीशन के आधार पर स्थूल कोणोत्तक को मुख्य रूप से तीन भागों में डिवाइड किया गया है, प्लेट कोलेनकाइमा, लेंगुलर और एंगुलर, स्त्रित रिक्तिका में और कोणीय स्थूल कोणोत्तक। अब देखो इनमें तीनों प्रकार का जो ये स्थूलन है, तीन प्रकार का जो स्थूल कोणोत्तक है, इसमें ये मुख्य जैसे स्त्रित है, इसमें मुख्य रूप से स्पर्श रेखीय व्यक्तियों का स्थूलन होता है, इसमें मुख्य रूप से स्पर्श रेखीय व्यक्तियों का स्थूलन होता है। इसका एग्जांपल है सूर्यमुखी, सूर्यमुखी के पादपों में इस प्रकार का स्थूलन पाया जाता है कि इसकी कोशिकाओं में स्पर्श रेखीय भित्तियाँ, इस तरह से जो भित्तियाँ होती हैं वो स्पर्श रेखीय होती हैं, इनमें स्पर्श रेखीय भित्तियों का स्थूलन पाया जाता है, और इस प्रकार का जो स्थूलन है वो कहलाता है पट्टी का, प्लेट या स्त्रित स्थूल कोणोत्तक। नेक्स्ट है रिक्तिका में स्थूल कोणोत्तक, इसमें कुछ पादप हैं जैसे साल्विया है, इसमें अंतराकोशी के अवकाश के चारों कोशिका भित्ति में स्थूलन पाया जाता है, साल्विया, इसका उदाहरण कौन सा है साल्विया। इस साल्विया के प्लांट्स में, साल्विया के पादप की एक विशेष संरचना होती है, तो साल्विया के पादप में क्या होता है अंतराकोशी के अवकाशों के चारों ओर, अंतराकोशिकीय
अवकाशों, अंतराकोशी के जो गैप होते हैं, इंट्रा सेलुलर स्पेस, अंतराकोशी के स्पेसों के चारों ओर स्थूलन पाया जाता है, उसको बोलते हैं रिक्तिका में स्थूल कोणों तक। इसका उदाहरण क्या है? साल्विया। नेक्स्ट है एंगुलर, कोणीय स्थूल कोणों तक। कोणीय स्थूल कोणों तक क्या होता है? ये गेंदा है, धतूरा है, किसमें? गेंदा या धतूरा, सोलन स्कूल का पादप है। यह गेंदा है या धतूरा है, उनमें कोणीय स्थूल कोणों तक पाया जाता है कि इनकी पादप कोशिकाओं के कोणों पर लंबाई में स्थूलन पाया जाता है। इन पादप कोशिकाओं में लंबाई में कोणों पर स्थूलन जमाव स्थूलन पाया जाता है, इसलिए इसको कोणीय स्थूलन या कोणीय स्थूल कोणों तक बोलते हैं। तो इनमें कोशिकाओं में स्थूलन की स्थिति के आधार पर कोलेन काइमा को मुख्य रूप से तीन भागों में डिवाइड किया गया है। स्त्रित या पट्टी का स्थूल कोणों तक, इसको प्लेट कोलेन काइमा के नाम से जाना जाता है। ये सूर्यमुखी के अधिचर्म, जो त्वचा की अधिचर्म कोशिकाएं होती है तने की, उसमें पाया जाता है। इसमें स्पर्श रेखीय भित्तियों का स्थूलन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं पट्टिका या स्त्रित स्थूल कोणों तक। रिक्तिका में स्थूल कोणों तक क्या होता है? साल्विया, ये साल्विया के प्लांट्स होता है। साल्विया के प्लांट्स में ये लैक्यूनर कोलेन काइमा पाया जाता है। इसमें अंतराकोशिकीय सेलुलर स्पेस जो होता है, अंतराकोशिकीय अवकाश जो होता है, वहाँ पर स्थूलन पाया जाता है, जमाव पाया जाता है, और इसका उदाहरण है साल्विया। नेक्स्ट है कोणीय स्थूल कोणों तक। ये गेंदा है, धतूरा है, इस प्रकार के प्लांटों में ये कोणीय स्थूलन पाया जाता है, क्योंकि पादप कोशिकाओं में लंबाई में कोणों पर स्थूलन पाया जाता है, जिसकी जो एंगुलर बनते हैं कोण जो बनते हैं उन कोणों में, जैसे कोशिकाएं हैं इस तरह से, यहाँ इनमें ये स्थूलन पाया जाता है, ये कहलाता है कोणीय स्थूलन। तो ये इस प्रकार से कौन, ये तो अंतराकोशिकीय के इंट्रासेल्युलर, कोणियों इस तरह से कौन बनेंगे और कोणीय स्थूलन इन कोशिकाओं में पाया जाए इस प्रकार से। ये एंगुलर, तो इस प्रकार से ये स्थूल कोणों तक के आज टाइप्स होते हैं। और कोलेन काइमा, पैरेन काइमा, दो तक कंप्लीट हो गए हैं, पैरेन काइमा, कोलेन काइमा, और नेक्स्ट तीसरा जो तक आएगा वो आएगा स्क्लेरेन काइमा। वैसे मृदु स्थूल कोणों तक के कार्य और देख लेते हैं, थोड़ा सा पॉइंट है। फंक्शन ऑफ कोलेन काइमा, फंक्शन ऑफ कोलेन काइमा स्थूल कोणों तक के कार्य। अब देखो कार्य क्या है स्थूल कोणों तक का? ये स्थूल कोणों तक होता है जो पादप के कोमल और लचीले भागों में पाया जाता है, इसलिए ये पादप भागों को लचीलापन प्रदान करने का कार्य करता है। जैसे शाखाएं हैं, पत्ती हैं, उनमें नंबर एक यह है उत्तक पादप के तरुण अंगों, यह उत्तक पादप के तरुण अंगों जैसे पतली शाखाओं
पत्ती जो पतली शाखाएं होती हैं, पत्ती, पर्णव्रंथ, पुष्पव्रंथ, पर्णव्रंथ, पुष्पव्रंथ आदि में पाया जाता है। ये पादप के तरुण अंग हैं, जैसे पतली शाखा हैं, पत्ती हैं, पर्णव्रंथ है, पुष्पव्रंथ है आदि भागों में ये पाया जाता है। और ये इन भागों को लचक एवं दृढ़ता प्रदान करता है। यह इन भागों को लचक, लचीलापन, लचक एवं दृढ़ता प्रदान करता है। ठीक है कि ये पादप भागों को लचीला एवं दृढ़ता प्रदान करता है। नेक्स्ट इसका जो कार्य है वह है कि ये पादप भागों के कटने फटने से भी बचाता है। कुछ पादपों में यह उत्तक कौन सा, कोलेनकाइमा, यह उत्तक प्रकाश संश्लेषण, यह उत्तक पैरेन्काइमा में भी होता है प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी करता है। ठीक है कि कुछ पादपों में यह जो फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करने का भी यह काम आता है। और नेक्स्ट है कि यह लंबाई बढ़ने के साथ साथ स्थूल, इनमें लंबाई बढ़ने के साथ साथ स्थूलन होता है, इसमें लंबाई बढ़ने के साथ साथ स्थूलन होता है, इसलिए यह लचीलापन प्रदान करता है, प्रदान करता है। तो इस प्रकार से ये कोलेनकाइमा के कार्य हैं कि ये पादप के तरुण जो अंग हैं, पतली शाखा, पत्तियां, पर्णव्रंथ, पुष्पव्रंथ आदि भागों में ये पाया जाता है। और यह इन भागों को लचक एवं दृढ़ता प्रदान करने का कार्य करता है। और ये कुछ पादपों में फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी करता है कि जिसके द्वारा ये प्रकाश संश्लेषण करके पादपों को भोजन निर्माण की प्रक्रिया में भी भाग लेता है। इसके अलावा यह क्या होता है, इसमें लंबाई बढ़ने के साथ साथ स्थूलन होता है। जैसे जैसे प्लांट्स भाग की लंबाई बढ़ती है और उसमें उनका स्थूलन होता जाता है, जिसके कारण यह उस प्लांट्स को लचीलापन प्रदान करने में भी सहायता करता है। और आवश्यकता होने पर नेक्स्ट कार्य है, आवश्यकता पड़ने पर यह भी पैरेन्काइमा की तरह तरह द्विबीजोत्की हो जाता है। पैरेन्काइमा की तरह द्विबीजोत्की हो जाता है, जिससे यह उस पादप की रिपेयरिंग, घाव आदि या क्षतिग्रस्त भागों को पुनः भरने में सहायता प्रदान करता है। तो ये इसके कार्य हैं कि यह आवश्यकता पड़ने पर पैरेन्काइमा की तरह द्विबीजोत्की हो जाती है, जिससे पादपों के क्षतिग्रस्त भागों की रिपेयरिंग, मतलब पुनः पूर्ति या घाव भरने में, क्षतिग्रस्त भागों के घाव भरने में
सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं कि एक तो ये कोमल जो भाग होते हैं प्लांट्स के, उन भागों में पाया जाता है, जिससे उनको ये लचक और दृढ़ता प्रदान करता है। जैसे पादप की जो शाखाएं होती हैं, कोमल शाखाएं, तेज़ हवा चलती है, झुक जाती हैं, फिर वापस सीधी हो जाती हैं। पत्तियों के जो सिरे होते हैं, किनारे होते हैं, उनको फटने से बचाता है, क्योंकि ये उसमें लचक और दृढ़ता प्रदान करने का कार्य करता है, जिससे पादप की शाखाएं, प्राणवन, पुष्पवंत हैं, वो हवा के झोंकों के साथ मुड़ जाएं और फिर अपनी पुनः स्थिति में आ जाएं। तो इस प्रकार से ये इन भागों में इस प्रकार से कार्य करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये कोलेनकाइमा आज अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट भाग या नेक्स्ट उत्तर को अगली वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।